तैयारी कर लिए ये दरवाजा इतना पीछे से अगर आज कल के इंजेक्शन किसी को भी बच्चा बन बड़े ऑलरेडी उस वेट लिए के लिए बड़े दो वेल आप कैप उठाओ राइट हैंड से फेंको और लेके जरा से पीछे फेंको देखो जाना चाहिए कितना 33 रखा है ये रानी इनका ये उठता थोड़ा सा पीछे आओ विमान पहले खोल दिया इसके कट कर इनके दिमाग को खराब रखना हमारी जिम्मेदारी ट्रॉली एक कट थोड़ा पोजीशन ना सुई उसको दिखाना है अपने को राखे थोड़ा लेफ्ट हो सकते हो यस दिखला देंगे सर ये ले लो तुम राखे थोड़ा राइट हो एक बार फेंकने से ले लो ना हाँ आज करेक्ट नहीं दिख रहा एक्चुअली किसी को भी बच्चा बना सकते लो चार
होल्ड स्टे नेक्स्ट कट और इन लोग एक दूसरे को लोग चार से हाँ एक बार फिर से चार लोग राइट देखो यहाँ को रोइंग एंड एक्शन चार से हाँ नेक्स्ट कट एक्शन ये देखिए इंजेक्शन दिया युवान ने लो चार राइट में भी फोकस हाँ रोलिंग एंड एक्शन युवान ने इंजेक्शन दिया सेम फोकस रागिनी पे रागिनी पे फोकस ये रागिनी से विमान पे कट किसी भी रागिनी हाँ ये बहुत बड़ा खुलासा है जो शायद हमारी ऑडियंस पहले से जानती है कि विमान और रागिनी उन्हें इंजेक्शन दे रहे थे बट मुझे नहीं पता था तो मुझे आज पता चला है तो मतलब इतने टाइम से ये बात जो छुप चुकी थी आज वो चंगोर के सामने आ चुकी है और आज तो मतलब आप तो फाड़ के रखने वाली हैं नहीं पता नहीं सीन में क्या लिखा है बट मैं शॉक्ड होती हूँ बेसिकली कि रागिनी और विमान इतनी गलत चीज़ कर रहे हैं कमल नारायण के साथ जो खुद तीनों एक ही टीम में थे सो या विवान और रागिनी दोनों ही अब उसमें चले गए कि दोनों को वो गद्दी चाहिए सत्ता चाहिए तो वो इसीलिए कर रहे हैं अच्छा तो अभी आपका क्या नेक्स्ट स्टेप होगा चक्कर का क्योंकि हमेशा आप तो मतलब ऐसे जो राज होते हैं वो सबके सामने खुलासा करने के पर वो खुलासे मेरे एकदम सोच समझ के किए हुए होते हैं तो मुझे सोचने के लिए वक्त लगेगा तो मैं आपको अगले इंटरव्यू में बताऊंगी मैं क्या करने वाली हूँ वेलकम बाय आज आपने अपने हाथों से एक शुभ काम किया है रागिनी और आपकी मिली भगत जी बिल्कुल ये शुभ काम मैं कुछ दिनों से कर रहा हूँ अपने हाथों से कमल जी को जो पागल किया है वो रागिनी ने किया था और जब से मुझे पता लगा है तो मैंने उन्हें इंजेक्शन देना शुरू कर दिया है और इसी बीच चकोर हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँच गई है हमेशा की तरह और आज उसे ये भी पता लग गया है कि कमल जी के पागल होने के पीछे हम दोनों का हाथ है अच्छा तो गद्दी संभालने में रागिनी ने जो बताया था कि हम मैं ही हूँ इस यहाँ की रानी और आप भी उनका कहीं ना कहीं साथ हाँ बिल्कुल इवन वो उसने मुझे इतना अपने कंट्रोल में कर लिया है गद्दी भी हालांकि वो कर रही है लेकिन गद्दी उसने मुझे दे दी है तो मैं पूरी तरीके से कहीं ना कहीं उससे इन्फ्लुएंस होके उसके कहने पे सब कुछ चीज़ें कर रहा हूँ एंड आई थिंक बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें रिवील होने वाली हैं और बहुत जल्द मेरी आंखों से जो पर्दा है वो हटेगा अच्छा चकोर कहीं ना कहीं एक सुपरवूमन जैसी बन जाती है हर बार मतलब कुछ ना कुछ खुलासा होता है तो वो तो एंड वूमन को पहुंच ही जाती है बिल्कुल मैं स्टार्टिंग से यही कहता हूं कि हमारी सुपरवूमन है वो कोई भी प्रॉब्लम होगी तो एट द एंड सॉल्व ही करेगी आके और यहाँ पे जितने भी कैरेक्टर हैं चाहे गांव में हो हवेली में हो अब तो पुलिस स्टेशन भी है तो सबकी लाइफ में जो कुछ चल रहा है कहीं ना कहीं चकोर आपको वहाँ ज़रूर मिलेगी तो क्या कर सकते हैं अच्छा लास्टली प्रोमो में ये देखने मिल रहा है कि बहुत सारे राज खुलने वाले हैं और आपके बाप बनने के पीछे का जो भी राज है वो भी खुलने वाला है तो दर्शकों के लिए आप क्या कहना चाहते हैं इसमें मैं दर्शकों के लिए क्या कह सकता हूँ मेरी खुद की बोलती बंद होने वाली है क्योंकि मैंने इतना अत्याचार किया है इमली के ऊपर एंड बहुत जल्द सब चीज़ें जैसे कि मैंने कहा कि आंखों से पर्दा हटने वाला है कि ये सब कुछ रागिनी का किया हुआ है और कमल जी भी आई थिंक अब जब इनको पता लग गया है तो ठीक हो ही जाएंगे तो उसके बाद मेरा क्या होगा पहले वो सोचने वाली बात है दूसरों को क्या कहूँ मैं बम बोले बम
को हुआ हुआ देखो ले गए उनको जाओ बॉक्स से निकल जाओ कर दो नजर ले ले इसको दो भाई सूरज को दिल्ली विमान के रिश्तों को तबाह कर दिया है।
ज्यादा शक्तिशाली है, हमारे हाथ में सब कुछ है। तो तुला विचार फोटो लावायचं।